नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे पाठ 12 का अभ्यास कार्य। आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो अभ्यास कार्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसे समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझेंगे एक बार। सबसे पहले हम करेंगे शब्द अर्थ, ठीक है, क्योंकि शब्दों के अर्थ हमें जानने बहुत जरूरी होते हैं। मनोधैर्य, मन का धीरज। कंठस्थ, कहता ना कि कंठस्थ कर लेते थे, यानी कि याद कर लेना। श्रेष्ठ, उत्तम यानी सबसे अच्छा। दृढ़, कठोर। उदासीन, लापरवाह, यानी कहते ना कि कुछ बच्चे जो कंठस्थ करने के विषय में उदासीन थे, यानी कि वो लापरवाह थे, वो विषय को याद, ग्रंथों को याद नहीं करना चाहते थे। हीन, निम्न। हीन का मतलब निम्न। ठीक है बेटा, एक बार फिर से। मनोधैर्य, मन का धीरज। कंठस्थ, याद कर लेना। श्रेष्ठ, उत्तम। दृढ़, कठोर। उदासीन, लापरवाह। हीन, निम्न। ठीक है, इसके बाद हमने फिलप्स को छोड़ देना है और आगे आएंगे। सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, ये ध्यान से करेंगे। सावरकर जी कहते थे, सब डैश कुछ न कुछ पढ़े। सामाजिक कैदी, ऐतिहासिक कैदी या राजनैतिक कैदी? तो क्या आएगा? राजनैतिक कैदी कुछ ना कुछ पढ़े। शाम को कोठरी बंद होते ही क्या प्रारंभ कर देते थे? लिखना। ठीक है, जब सारे लोग अपने, सभी कैदी अपने अपने कोठरी में चले जाते थे तो वो खुद क्या करते थे? लिखते थे। विभाग धीरे धीरे क्या बन गया था? ग्रंथालय है, विद्यालय या वाचनालय है? ग्रंथालय। ठीक है, क्या बन गया था? ग्रंथालय। सावरकर जी का डैश भी कोठरी में लिखा गया। विमला, कमला या प्रमिला? कमला। ठीक है बेटा, अंडमान के कुछ डैश पढ़ने के विषय में उदासीन थे। अंडमान के कुछ राजबंदी, सिपाही नहीं, नजरबंदी नहीं, राजबंदी। ठीक है बेटा, ध्यान से। आपने पहले यहाँ सर्कल भी लगाना है जो आपका आंसर सही है, और फिर उसको फिल भी करना है फिलअप्स में। ठीक है, इसके बाद है मिलान कीजिए। थकना, चूर चूर होना। सप्तम विभाग क्या बन गया था? ग्रंथालय। राजबंदी, कोठरी में। ग्रंथ कंठस्थ करने होते थे। शास्त्र का अध्ययन किया जाता था। स्वतंत्रता, बलिवेदी। ठीक है बेटा, दोबारा से। थकना, चूर चूर होना। सप्तम विभाग, ग्रंथालय। राजबंदी, कोठरी। ग्रंथ कंठस्थ। शास्त्र अध्ययन। और स्वतंत्रता, बलिवेदी। फिर है सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। वीर सावरकर को सब प्रकार की सुविधाएं थी। जब आपने इस चैप्टर को शुरू ही किया था तो उसमें क्या दिया गया था कि पढ़ने के लिए कलम और कुछ भी लिखने के लिए कुछ नहीं मिलता था, यानी कि उनको कोई सुविधा नहीं थी। तो क्या आएगा बेटा? गलत। सावरकर जी ने दीवार को कागज बनाया। सही। कील, आटे, ईंट के टुकड़ों को कलम बनाया। सही। प्रतिवर्ष कारागार की दीवारें लाल रंग से पोती जाती थी। गलत। प्रतिवर्ष कारागार की दीवारें सफेद रंग से पोती जाती थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन में मौज मस्ती की। जो जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई, क्या उन्होंने अपने जीवन में मौज मस्ती की थी? गलत। उन्होंने तो बहुत ही मेहनत की और अपना बलिदान कर दिया देश को आजाद करने के लिए। ठीक है बेटा, तो इसलिए सारी एक्सरसाइज आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में फिल करनी है। ठीक है।